भैया मुझे लगता है कि अब इंडिया वालों ने ठान लिया है कि चाइना को पूरी तरीके से देश से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशन को बैन किया था, चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया था, जिसमें से टिकटॉक, हेलो, शेयरइट, यूट्यूब ब्राउजर आदि ऐसी एप्लीकेशन जो जो बहुत ही फेमस एप्लीकेशन थी और उसकी वजह से कई लोगों के काम धंधे भी बंद हो चुके थे। ऐसा ही फिर और होने वाला है, क्योंकि कल ही अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि 47 चाइनीज़ एप्लीकेशन थी उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में। ठीक है, 47 एप्लीकेशन है जो इंडिया में बैन कर दी गई है, कल ही अभी ये नोटिस आया है। इसमें अभी हालांकि एप्लीकेशन का नाम नहीं बताया गया है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जिनको बैन कर दिया बैन किया है, लेकिन 47 एप्लीकेशन है जिनको बैन अभी कर दिया गया है इंडिया में। और 250 यानी 250 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन ऐसी और है जिनको अभी रिव्यू में डाला है, अंडर रिव्यू में है, क्योंकि ऊपर मतलब बात चल रही है कि इनको एप्लीकेशन को बैन करना है या नहीं है। उसमें पबजी भी है, जी हाँ दोस्त पबजी भी है, पबजी भी रिव्यू में है, उसके ऊपर भी बात चल रही है कि इसको अभी बैन करना है इंडिया में या नहीं करना है। मुझे लगता है दोस्तों हो सकता है कि पबजी भी इंडिया में बैन हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल 47 एप्लीकेशन इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। इनकी लिस्ट हमको जल्द ही मिल जाएगी तो हम आपको बता देंगे लिस्ट, और जो बाकी की 250 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट्स आगे की प्रोसेस कर रही है कि क्या करना है इनको, मतलब इंडिया में बैन करना है कि नहीं करना है, तो उसमें से पबजी भी है जो कि बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। हो सकता है पबजी बैन हो जाए, अगर पबजी बैन हो गया तो हमारे यहाँ पर कई सारे लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स वगैरह जो भी है जो गेम जो खेलते हैं उनके कई सारे लोगों की कमाई गेम के जरिए ही होती है। दोस्तों मुझे लगता है कि हो सकता है पबजी भी इंडिया में बैन हो जाए, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पबजी के भी बैन होने के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि पबजी के ऊपर भी डेटा लीक के आरोप लगे हैं। दोस्तों पहले जितनी भी एप्लीकेशन थी जैसे टिकटॉक, यूट्यूब ब्राउजर, ये सभी पे आरोप थे कि डेटा ये लीक करते हैं, इसीलिए इनको इंडिया से बैन कर दिया गया है। हम डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किसी एप्लीकेशन को बैन नहीं कर सकती इंडिया में, उनको कोई ना कोई रीज़न तो देना ही होगा कि भाई आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम ये है, इसलिए आपके एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया गया है। इस ऐसे ही पहले जो एप्लीकेशन थे 59 एप्लीकेशन जिन्हें बैन किया गया था, उनमें सभी पे आरोप लगे थे कि ये डेटा लीक करते हैं। ऐसे ही पबजी पे भी आरोप लगा है कि ये डेटा लीक करता है, तो हो सकता है कि भाई पबजी भी बैन हो जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल 47 एप्लीकेशन है उन्हें बैन कर दिया गया, अभी उसकी लिस्ट जल्दी आ जाएगी कौन कौन से एप्लीकेशन है, अभी हमको नाम तो नहीं पता, और बाकी की जो 250 एप्लीकेशन है उसमें से पबजी भी। अब पबजी क्योंकि जो है वो पूरी तरीके से चाइनीज़ कंपनी नहीं है, वो कोरियन कंपनी है, उसमें जो टेंसेंट कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी है, तो हो सकता है कि पबजी बैन हो जाए, क्योंकि इसमें होता ही है कि पबजी में जो स्टोरेज की परमिशन मांगता है, जब भी आप पबजी गेम इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर स्टोरेज की परमिशन मांगता है आपसे, आपके फ़ोन का पूरा स्टोरेज आप वो जब चाहे तब उसका डेटा ले सकते हैं स्टोरेज का। लेकिन बात यह है कि जो फ़ोन है वो जो गेम है वो तो पूरे तरीके से ऑनलाइन चलता है, उसको तो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, तो इस यही आरोप है पबजी के ऊपर कि पबजी बैन होगा कि नहीं होगा, तो ये तो यही आरोप है पबजी के ऊपर, हो सकता है ये भी बैन हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर भैया सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन इंडिया से बैन हो गई तो मज़े ही हो जाएंगे। और दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ये एप्लीकेशन पबजी इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका क्या ख्याल है, और ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो बैन होने वाली है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ थी और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ थी चाइना के बारे में, इंडिया से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी आए ना शिव का नाम।